नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं पीएमईजीपी लोन के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट का आपको आवश्यकता पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपका आधार नंबर चाहिए, आधार कार्ड का आपको स्कैन करके रखना है। उसके बाद दूसरा नंबर में, यदि आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रखना है। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर यदि आप 20 लाख से ऊपर का, यदि कोई भी प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। कम मिनिमम जो है 8वां पास होना चाहिए। और अगर यदि आप 20 लाख से कम का अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक आपको फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो आपको लगेगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अप्लाई करने के लिए कैसे बनाना है, उसका भी हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। उसके बाद एक रूरल और अर्बन सर्टिफिकेट होता है, तो उसका भी हम आपको लिंक दे देंगे। तो उसको भी आप प्रिंट करके मुखिया समिति या फिर जो सचिव है आपका जो है मुखिया, या फिर वार्ड से भी आप करवा सकते हैं, या फिर यदि आपका सरपंच है तो सरपंच से भी करवा सकते हैं। एक प्रूफ होता है कि आपका जो यूनिट जो है, आप जहाँ लगाना चाह रहे हैं, वो अर्बन है या फिर रूरल एरिया है। तो दोनों के लिए स्कीम जो है अलग अलग होता है। तो उसका भी हम आपको पीएमईजीपी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लिंक में दे देंगे। तो वहाँ से, उस वीडियो से आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं पीएमईजीपी लोन के बारे में। तो ये सारा डिटेल्स है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद से फिल करना होगा, जैसे किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर यदि पैन नंबर है आपका, तो पैन नंबर भी आप उसमें दे सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो यहाँ लिस्ट है, इसको आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो है, ये रूरल क्षेत्र के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं। अर्बन में जो है आपको एक सर्टिफिकेट जो है आपका, ये रूरल अर्बन वाला सर्टिफिकेट आप नहीं भी देते हैं, तो कोई उसका जो है ज़रूरत नहीं होता है। आपका आवेदन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। देख सकते हैं, आधार कार्ड, कास्ट, एजुकेशनल, फ़ोटो, एक रिपोर्ट आपको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है। उसके बाद जो है रूरल अर्बन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पर आपको लगेगा। तो सब आपको स्कैन करके आपको रख लेना है। जो साइज जो है वो आपको केबी में ही देना है, एमबी में आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका अपलोड नहीं होगा। एक एमबी से आपको ज़्यादा का यहाँ पर स्कैन जो है नहीं करना है। आपको कम मेमोरी का ही आपको यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है। तो आप पीडीएफ या फिर जेपीजी, दोनों फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ से जैसे गूगल आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएमईजीपी। इस प्रकार से आपको टाइप करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। किसी भी आप ब्राउजर से कर सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से पीएमईजीपी जैसे ही टाइप करते हैं, तो आपको देखिए kviconline.gov.in का आपको एक वेबसाइट आपको मिल जाता है। तो इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं kvic का साइट में। तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर लेना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, kviconline.gov.in। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से देख सकते हैं, तो जब आप ओपन कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर कर लिए, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड लोन का है, तो ये इसका अलग आपका ये होता है इसका। उसके बाद अगर यदि आपको फर्स्ट लोन, नया लोन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको जाना है। ये सेकेंड लोन है, एक लोन लेने के बाद अप्लाई करने के लिए है। तो आपको इस लिंक पर जाना है, अगर यदि आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं। और अगर यदि आप रजिस्टर कर लिए हैं, तो यहाँ लॉगिन में आपको जाना है। तो चलिए आपको न्यू बताते हैं किस प्रकार से आप न्यू जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ में आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपसे यहाँ पर आधार नंबर मांगा जा रहा है। देख सकते हैं, यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर्स एजेंसी, तो किस एजेंसी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखिए, चार एजेंसी है, तो आपको जो है एक जिला में डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्री सेंटर रहता है, DIC जिसको बोलते हैं, या फिर अगर यदि KVIC का ऑफिस है, तो यहाँ भी अगर यदि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको DIC जो है, प्रत्येक ज़िला में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहता है, तो इसमें आपको अप्लाई करना है, ताकि आप जो है जाके आप मैनुअली भी उससे, ऑफलाइन भी जाके उससे आप भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसमें आपको DIC सेलेक्ट कर लेना है। अगर यदि KVIC का ऑफिस है, अगर यदि आपके आसपास KVIC का भी ऑफिस है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर DIC है, तो DIC यहाँ पर आपको
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर सारा स्टेट है, देखिए यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट आता है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफिस का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है यहाँ पर गोड्डा में, देख सकते हैं ये, इसको आपको इस प्रकार से टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिंग है जो मेल फीमेल है, इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप अगर यदि SC ST या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी यहाँ पर आपको जो जिस कैटेगरी से जो आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए है क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़ाई किए हुए उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो है एजुकेशनल जो है मैक्सिमम जो है आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को फिल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी आवश्यकता है, यहाँ पर जो है आपको देना होगा ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब लोन लेते हैं तभी आपको पैन नंबर लग जाएगा, तो यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पैन नंबर भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट लोकेशन, तो यूनिट लोकेशन में आप कहाँ लगा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं तो अर्बन आपको सेलेक्ट करना है, और रूलर में लगा रहे हैं तो रूलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं अर्बन और रूलर। तो यहाँ पर अगर ये रूलर कर रहे हैं तो यहाँ पर रूलर आपको सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, तो जहाँ पर आप लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर का आपको यहाँ पर एड्रेस, सेम एड्रेस है तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। यदि दूसरे जगह आप लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है, जहाँ भी आप जो है प्लांट लगाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी मतलब किस टाइप का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको तीन कैटेगरी मिलेगा, तो तीन कैटेगरी मिलेगा, तो इसमें मेन जो कैटेगरी है आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दो कैटेगरी ही मेन कैटेगरी है। तो अगर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ बनाते हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा, सर्विस में होता है दुकान होता है, या फिर किसी चीज़ का सर्विस सेंटर आप खोलते हैं तो सर्विस में आ जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग होता है कुछ भी आप बना रहे हैं, जैसे खाने पीने का सामान है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल सामान बना रहे हैं, या फिर और बहुत सारा है पार्ट्स है, यदि किसी भी मोटर व्हीकल का पार्ट्स बना रहे हैं, या फिर और किसी भी टाइप का आप यदि कुछ बना रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आपका आ जाएगा। और जो है सर्विस जो है, ये सर्विस आपका जो है जैसे इंटरनेट कैफे यदि आप खोलना चाह रहे हैं तो सर्विस कैटेगरी में आ जाता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का यदि खोलना चाह रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग खोलना चाह रहे हैं, तो ये सब आपका सर्विसिंग जो है ये सर्विस कैटेगरी में आपका आ जाता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर उसके बाद जो है जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, मान लीजिए सर्विस में ही है, तो एक हम जो है यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको जो है अपना बिजनेस को सेलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पर बिजनेस आपका नहीं मिलता है तो आपको अदर्स में चल जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो अदर्स का एक कैटेगरी है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो है एक्टिविटीज जो है यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद उसी में आपको अपना अदर जो है सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉली एंड केमिकल, इस टाइप का ये जो है ये मेन कैटेगरी हो गया। उसके बाद इधर जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्रो एंड फूड, अगर यदि खाना से रिलेटेड है तो यदि आपका इसमें नहीं मिलता है तो आपको अदर में चल जाना है इसमें। उसके बाद जो है आपको अदर में जाके उसमें आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसको आपको टाइप कर देना है। तो अभी जैसे ये जेरोक्स सेंटर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं इसको जेरोक्स सेंटर है या नहीं है। यहाँ पर पेज को आपको चेंज करते हुए जाना है, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको पेज मिल जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर यदि आपको नहीं मिलता है तो पेज वाइज भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो मेरा जो है इसी में मेरा रहेगा अभी, यहाँ पर जो है ये सर्विस एंड टेक्सटाइल है, तो इसी में मेरा जो है जेरोक्स सेंटर इसी में मिलेगा। तो हम यहाँ पर अभी खोज लेते हैं, जेरोक्स सेंटर यहाँ पर मिल गया है, देख सकते हैं, तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो है जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बारे में कुछ अगर यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं,
तो अभी जो है हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है। यदि आप अदर सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका एक्टिविटी है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईडीपी ट्रेनिंग, तो ईडीपी ट्रेनिंग जो है ये ऑनलाइन होता है, आप मोबाइल से या लैपटॉप पीसी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है पीएमजीपी लोन अगर यदि आपका पास हो जाता है तो इसमें आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। और अगर यदि आपका पीएमजीपी लोन पास नहीं हुआ है, अगर यदि आप पहले ही डीपी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है उसका फीस लग जाता है, 3 से 6 हज़ार उसमें ईडीपी ट्रेनिंग का फीस लगता है। और अगर यदि आपका पीएमजीपी लोन पास हो जाता है जिसमें आपको चार्ज नहीं लगता है, वो ट्रेनिंग आप फ्री में कर सकते हैं। तो ईडीपी ट्रेनिंग कैसे करना है उसका भी आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में हम दे देंगे। तो ईडीपी ट्रेनिंग किस प्रकार से करना है वो भी आप जान पाइएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर यदि आपको अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर यदि आप पहले ही करना चाहते हैं तो आपको खुद से 5 से 6 हज़ार आपको पे करना पड़ जाएगा, तो इसको आपको नो कर देना है। लोन जब आपका पास हो जाएगा तो आप फ्री में वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप मोबाइल से ही ट्रेनिंग करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो है कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो है, ये दो हो गया, ये सीसी हो गया और ये फिक्स कैपिटल हो गया आपका। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है आपका जो फिक्स कैपिटल है वो आपका आएगा इसमें, मान लीजिए आप जो है इसमें जो है 60-40 रेशियो में ही जो है ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो होता है वो 60-40 रेशियो में होता है। मान लीजिए आपका जो कोई प्रोजेक्ट है 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपका 6 लाख चल जाएगा मशीनरीज आइटम में, जो फिक्स आइटम है मैंने मशीनरीज जो है आपका लगेगा, फर्नीचर लगेगा, सेट लगेगा। तो इस सब में आपका यदि 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 6 लाख आपका इसमें चल जाएगा और 4 लाख जो होता है उसका आपको सीसी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको उसको भर लेना है। तो वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों फिल कर देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर दोनों को फिल कर देना है। तो उसके बाद जो है यहाँ आपका डिटेल्स आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितना का आपका प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 10 लाख का है तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉई आपको 10 देना है, आपको यहाँ पर देना होगा। तो यदि कोई भी प्रोजेक्ट 10 लाख का रहता है तो उसमें 10 आदमी को कम से कम रोजगार मिलना चाहिए प्रत्यक्ष रूप, और अप्रत्यक्ष रूप से कम 10 आदमी को रोजगार मिलना चाहिए 1 लाख पर एक व्यक्ति। और 10 लाख यदि है तो 10 हो जाएगा, 2 है तो 2 लाख का यदि प्रोजेक्ट है तो 2 व्यक्ति यहाँ का डला जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं। तो जिस बैंक में आपका पहले से ट्रांजेक्शन होता है उसी बैंक में आपको सुविधा होगा। अगर न्यू बैंक में जाते हैं तो वहाँ से आपको हो सके वो डिनाई कर दे देने के लिए। तो जो जिस बैंक से आपका कारोबार होता है उसी बैंक में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जिस भी बैंक से आप करते हैं उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको सारे बैंक का लिस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको इजीली से खोज सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं बैंक का नाम, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आईएफएससी कोड अगर यदि पता है तो आईएफएससी कोड से भी आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर जिला वाइज भी आप खोज सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपका जो है यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेना है, उसके बाद जो है आपको सर्च कर देना है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ब्रांच है वो सारा ब्रांच आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जो है सारा ब्रांच का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं ऐसे आपको सारा बैंक का लिस्ट मिल जाएगा। तो अपना जो आपका ब्रांच है उसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं ये मेरा जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अल्टरनेट बैंक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यहाँ पर, देख सकते हैं। दूसरा बैंक भी आप डाल सकते हैं, अगर यदि ये बैंक आपको नहीं देता है तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा बैंक में ये आवेदन चल जाएगा, नहीं तो आपको फिर से जाके यदि नहीं जाता है तो आपको कैंसिल करवाना होगा जाके, जैसे DIC में अप्लाई किए हुए हैं तो DIC का ऑफिस में, या फिर आप ऑनलाइन मेल के थ्रू भी आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, फिर आप दूसरा बैंक में उसको भेजवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आ जाता है वन टू एवेल CGTMSE, तो इसको आप यस या नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, यस नो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेयर डिड यू हियर अबाउट PMEGP, तो PMEGP स्कीम के बारे में आप कैसे जाने हैं, जो भी आपको लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एप्लीकेशन डाटा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ओके करने बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही ओके करते हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं योर एप्लीकेशन आईडी इज़
जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं ये मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला जो है आपका ऊपर में जो आपको एप्लीकेशन आईडी के बाद में जो अंक का है 8 अंक का जो है ये आपका जो है ये आईडी आपका हो जाता है, और नीचे वाला जो है ये आपका पासवर्ड हो जाता है। तो इसी दोनों से आपका लॉगिन होगा। लास्ट का 8 डिजिट आपका जो है आईडी हो जाता है, और नीचे का जो है 6 डिजिट ये आपका पासवर्ड है। तो ये दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं बाद में। इसको आपको लिख के रख लेना है, ये दोनों को देख सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी और जो है आपका पासवर्ड, ये दोनों को लिख के आपको रख लेना है, ताकि आप जब फिर से आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए नीचे में प्रोसीड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो प्रोसीड में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। प्रोसीड में जैसे ही टैप करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अब सारा चीज़ जो है आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड और वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। देख सकते हैं ये सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर, देखिए आपको जो है यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, प्रोजेक्ट प्रोफाइल है इसको आपको अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है इसको भी आपको करना होगा। यदि आप SC OBC या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तभी आपको कास्ट लगेगा। जनरल से यदि आप बिलोंग करते हैं तो ये आपका नहीं लगेगा, ये ऑप्शन आपका जो है हाइड हो जाएगा। आधार आपको अपलोड करना होगा, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, यही आपका जो है रूरल अर्बन सर्टिफिकेट होता है पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, तो इसका भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में हम दे दिए हैं, तो उसको भी आप प्रिंट करके अपना जो है इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद जो है हाईएस्ट एजुकेशनल या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट, तो जो आप मैक्सिमम पढ़े हुए हैं उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड में आपको क्लिक कर देना है। तो अपलोड में जैसे क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ ये देखिए चूज ये फाइल, तो जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर से आपको चूज में जाना है। आपको चूज में जाने के बाद जहाँ आप फाइल को रखे हुए हैं अपना डेस्कटॉप में या फिर जहाँ भी रखे हुए हैं उसको आपको जाना है। इस प्रकार से देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। करने के बाद जो है आपको चुन लेना है अपना, उसके बाद यहाँ अपलोड में आपको क्लिक कर देना है। तो अपलोड में जैसे ही क्लिक करते हैं आपका देखिए ये जो है सक्सेसफुली डाटा अपडेटेड। इसी प्रकार से सारे को आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। व्यू में जाके आप देख सकते हैं आपका अपलोड हुआ या नहीं हुआ, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इसको आप 1 MB का जो है फाइल, 1 MB से कम का ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर बोला जा रहा है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। देख सकते हैं सक्सेसफुली डाटा अपडेटेड। उसके बाद जो है इसको भी आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, तो इसी प्रकार से सारा जो आपका सर्टिफिकेट है सारे को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। बाद यहाँ पर जो है व्यू करके इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आपका जो है ये सक्सेसफुली अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा को आपको अपलोड कर लेना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। बाद यहाँ पर देखिए आपको आ जाना है ऊपर में, स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ ऊपर में देख सकते हैं। तो स्कोर कार्ड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक स्कोर कार्ड यहाँ पर आपका आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपका मांगा जाएगा, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं क्या क्या आपको इसमें लगता है। तो यहाँ पर जो है सारा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एज है, तो एज जो है आपका ऑटोमेटिक एप्लीकेशन से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको एज के हिसाब से एक पॉइंट भी आपको मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं जिस एज कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाता है उसी प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर डिपेंड कितना आदमी है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो घर है आपका है या फिर पेरेंट का है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है किसका घर है। उसके बाद जो है जहाँ आप रह रहे हैं उसका आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद रेसिडेंट एट सेम एड्रेस लोकेशन, तो जहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहीं आप रह रहे हैं, तो कितना दिन से आप रह रहे हैं। यदि आप 5 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन है, तो कितना तक आप पढ़े हुए हैं आपको एप्लीकेशन में वहाँ पर भर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, तो जिस जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसमें अगर यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो कितना दिन का आपको एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि 3 साल से ऊपर का है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, देख सकते हैं 8 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद जो है अगर यदि आपका अलग से भी आप इनकम अगर यदि करते हैं, कुछ सोर्स है अगर यदि आपका अदर सोर्स है इनकम का,
तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद जो है एसएससी फॉर इनकम टैक्स, यदि इनकम टैक्स में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एसएससी सेलेक्ट कर लेना है, और अगर यदि आप इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं डालते हैं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। लाइफ इंश्योरेंस का अगर यदि आपका पॉलिसी है तो यहाँ पर आपको कितना पॉलिसी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप विथ लेंडिंग बैंक, जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं उस बैंक से आप कितना दिन से आपका रिलेशन है, यानी कि कितना दिन से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूज़ जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर है तो आपको ऑलरेडी कर लेना है। यहाँ पर तो है तो कितना दिन से है इसको आपको यहाँ पर डेट फिल कर देना है, कितना दिन से आपका उस बैंक में अकाउंट आपका चल रहा है इसको आपको यहाँ पर डेट फिल कर देना है। उसके बाद देखिए क्रेडिट हिस्ट्री, अगर यदि आप पिछला बार अगर यदि आप लोन लिए हुए हैं तो उसमें आपका कैसा हिस्ट्री है, अगर यदि अच्छा है तो आपको यहाँ पर वेरी गुड, तो यहाँ पर आपको वेरी गुड सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेरी गुड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका क्रेडिट अच्छा है, लोन को बढ़िया से आप चुका दिए हैं, ईएमआई या बाउंस नहीं होने दिए हैं, यहाँ पर आपको वेरी गुड सेलेक्ट कर लेना है, तो इसमें भी आपको 5 पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद जिस लोकेशन पर आप लगा रहे हैं वहाँ पर क्या आपको ये रॉ मटेरियल लेबर ये सारा चीज़ आपको जो है सेलिंग के लिए आपको मार्केट ये सारा चीज़ अगर यदि अवेलेबल है, यदि नहीं है तो नो कर देना है। यदि सारा चीज़ अवेलेबल है आपका तो यहाँ पर यस आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्किल सर्टिफिकेट, अगर यदि आपके पास किसी प्रकार का आप ट्रेनिंग किए हुए हैं तो यदि है सर्टिफिकेट तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको छोड़ देना है, नो कर देना है। यहाँ पर देखिए मार्केटिंग टाई अप फॉर सेल प्रोडक्ट, तो अगर यदि आप मार्केटिंग जो है टाई करके अगर यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, ताकि आपका जो है बिजनेस ग्रोथ होगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। लाइन ऑफ एक्टिविटी, तो जो है यहाँ पर जो है लाइन ऑफ एक्टिविटीज जो है आपका सर्विस या फिर वो जो होता है कैटेगरी जो है मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ पर आप अगर यदि आप सेलेक्ट किए हुए हैं सर्विस तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका यहाँ सर्विस आ जाएगा। उसके बाद चलिए आते हैं 16 नंबर पर, रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट अथॉरिटी वाया जीएसटी, सब अगर यदि है आपके पास जीएसटी वगैरह है आपको यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद रीपेमेंट, आप रीपेमेंट कितना दिन के अंदर करने वाले हैं, 5 साल के अंदर करने वाले हैं तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यदि अबव 5 करते हैं तो आपको 3 पॉइंट भी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 5 साल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये जो है आपका ऑटोमेटिक जब आप प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट जहाँ पर डालते हैं एप्लीकेशन में वहाँ पर आप जितना डालेंगे ऑटोमेटिक ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये 1 यहाँ हम डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है 1 आ चुका है। उसके बाद जो है एवरेज DSCR, तो ये जो है DSCR अगर यदि आपको पता नहीं है तो आपको जो है बीच में आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट टू टू कर देना है आपको, इसमें 3 पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी कोलेक्टरल सिक्योरिटी, अगर यदि आप देना चाहते हैं तो कितना देना चाहते हैं, तो इसमें जो है आपको अगर यदि 100% देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर जो है 10 पॉइंट मिल जाता है। तो सिक्योरिटी होता है लोन के एवज में आपको एक सिक्योरिटी, FD या फिर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है तो वो सब आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, मूवेबल सिक्योरिटी दे सकते हैं, या फिर कोई आपका संपत्ति है एसेट है उसको भी आप दे सकते हैं। कलेक्टरल सिक्योरिटी में आप 100% देते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट मिल जाता है, तो आप जितना आपको इच्छा है देने का उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। लेस देन 50% का भी ऑप्शन है तो यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है इसमें सेलेक्ट करने का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जितना आप देना चाहते हैं कलेक्टरल सिक्योरिटी उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई डिक्लियर, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आपको अपलोड कर देना है। सेव करने के बाद यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर सारे में अपलोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। तो अगर यदि आप जैसे GST वगैरह है या फिर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। पासबुक यदि आपका बैंक अकाउंट में है तो उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका पासबुक को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ फिर से आपको यहाँ पर टिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फिर से आपको सेव में क्लिक कर देना है, तो ये जो है स्कोर कार्ड आपका इस प्रकार से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क्स देखिए 80% यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये सफिशियंट है जो है लोन देने के लिए। इसी यदि पॉइंट आपका कम रहता है जिसमें आपको लोन नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको पॉइंट जो है ज़्यादा ही आपको यहाँ पर लाना है। उसके बाद ये सारा होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको आ जाना है EDP में, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको EDP में आ जाना है, EDP में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन आ जाता है EDP ट्रेनिंग मोड, तो आप कैसा करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन,
तो ऑफलाइन में आपको जो है आपको जाना होगा उसका ऑफिस में, आपको जाना होगा ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाना होगा। और अगर यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, और जो है आप लैपटॉप पीसी से भी आप अपना घर से ही कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए प्री ईडीपी ट्रेनिंग, तो बैंक से अगर यदि आपको लोन देना, प्री ईडीपी बिफोर बैंक सेंक्शन, तो अगर यदि आपका लोन सेंक्शन नहीं किया हुआ है बैंक, तो इसमें जो है आपको अपना खुद से पे करना पड़ जाएगा। यदि इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यदि आप अगर यदि आप इस ऑप्शन में जाते हैं पोस्ट ईडीपी आफ्टर बैंक सेंक्शन, मतलब कि लोन आपका बैंक अगर यदि सेंक्शन कर देता है तो आप फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर यदि आप पहले ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको जो उसका जो ईडीपी का ट्रेनिंग का जो चार्ज होता है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन से बेटर है आपको इसमें आ जाना है, पोस्ट वाला में आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट ईडीपी ट्रेनिंग यानी कि लोन सेंक्शन होने के बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड और उसके बाद पोस्ट ईडीपी। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। तो यहाँ जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है एप्लीकेशन ईडीपी डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ फाइनल सबमिशन में आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है ये नेम यहाँ पर आ जाएगा, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको यहाँ यहाँ सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले जो है आपको एप्लीकेशन को एक बार फिर से एप्लीकेशन डाटा को एक बार आपको रिव्यू कर लेना है, कहीं मिस्टेक है तो आपको उसको एडिट करके सुधार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो जिस ऑफिस में आप अप्लाई करते हैं उस ऑफिस में आपका यहाँ पर जो है आवेदन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। जैसे अभी हम इसमें जो है हम DIC सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये जो है आवेदन DIC को चल जाएगा। इस प्रकार से एरर आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर होम में क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट में क्लिक करने के बाद होम में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपका जो है आवेदन ये अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट अप्लीकेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें जाके आपको जो आपका आवेदन है इसको प्रिंट कर लेना है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये जो है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है इस आवेदन को, इसी के आधार पर आपका ट्रैक होगा। और आपका जो यूज़र आईडी है ये लास्ट का जो है 8 डिजिट जो है ये आपका जो है यूज़र आईडी है, और पासवर्ड जो है आपको नीचे में पासवर्ड जो मिला हुआ है वही दोनों से आपको लॉगिन करके उसका आप जो है स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यही कंप्लीट प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप PMEGP लोन अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।